डंडवास पंचायत की मुखिया द्वारा महापर्व छठ पूजा के उपलक्ष्य में नारियल एवं पूजा सामग्री का किया गया वितरण। छठ पर्व के उपलक्ष्य पे जिले के मोहनिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डंडवास की मुखिया राजेश प्रसाद के द्वारा भोखरी पंचायत के भटवलिये में नारियल एवं पूजा सामग्री वितरण किया जाता है। नारियल एवं पूजा सामग्री प्राप्त करने वाली छठ व्रतियों की यहां भीड़ उमड़ पड़ती है। डंडवास पंचायत के मुखिया राजेश प्रसाद द्वारा लगातार कई दिनों से डंडवास पंचायत में पूजा सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पत्नी आरती देवी के साथ आज भटवलिया एवं मुआजाना व भोखरी पंचायत में भी घर घर जाकर पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया। वहीं सामग्री प्राप्त करने वाले छठ व्रतियों ने मुखिया को आशीर्वाद दिया और कहा कि बगल के पंचायत के मुखिया राजेश प्रसाद के द्वारा वितरण कर सराहनीय काम किया गया है। मुखिया राजेश प्रसाद ने पंचायत की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए और साथ ही उन्होंने सभी पंचायतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि छठ कठिन पर्वों में से माना जाता है। एक तो 36 घंटे तक चलता है। इस पर्व में से 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी की तिथि पर नहाए खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मुखिया जी आज प्रसाद वितरण कर रहे हैं, प्रसाद वितरण करने की वजह क्या है? आज नहीं कर रहे हैं, हर एक साल जब छठ आता है तो हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण में क्या क्या सामग्री है? कहाँ कहाँ वितरण किया आपने? डंडवास पंचायत और जो भी उसका सटे पंचायत है, मुजान पंचायत, भोखरी पंचायत, गांव अगल बगल होता है, हर गांव में हम लोग जा करके घर घर घूम करके हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। ये समाज सेवा है कि प्रत्येक वर्ष आप करते हैं? नहीं नहीं, ये अपना खुद हम करते हैं। सबका सहयोग मतलब मान लीजिए कि जनता का आशीर्वाद है कि हम बांट रहे हैं। कुछ ऐसा कि मतलब चुनाव की वजह से कर रहे हैं या मतलब चुनाव तो यहाँ तो हार गए हैं। खाली 60-70 वोट से मेरी पत्नी खड़ा हुई थी आरती देवी। अच्छा। तो चुनाव से क्या लेना देना है? तो अगले बार ही आपने वितरण किया था? हर एक साल अगले साल नहीं, हर एक साल करते हैं। चुनाव हारे या चाहे जीते उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो समाज सेवा चलता रहेगा। छठ का त्यौहार है जी, तो जनता को अपने पंचायत के और बगल के पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत शांति समक्ष से अपना त्यौहार बीते, आप लोग सब खुशी मनाए, यही छठ माह से हमारा मनोकामना है। क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद प्रजापति, वर्तमान मुखिया डंडवास पंचायत। जो मेरी पत्नी थी आरती देवी भोखरी पंचायत से लड़ी थी, जो कि 60-70 वोट से चुनाव उन्होंने हारा। थैंक यू। मनाएंगे छठ के पर्व? हम बहुत खुश हैं कि हम लोग को हर साल प्रसाद मिलता है। कौन देता है? राजेश प्रसाद मुखिया, उसकी पत्नी धर्म पत्नी आरती देवी डंडवास से। आपका नाम क्या है? शकुंतला देवी, भटौली से। द्वारा कहाँ? हाँ, प्रसाद मिलल बा, नारियल कपड़ा लत्ता सब कुछ जौन भी बात मिलल है। अगरबत्ती राजेश मुखिया आरती देवी के तरफ से मिलल है। राजेश मुखिया के है, आरती देवी के है? राजेश मुखिया उनका पति हूँ, आरती देवी का उन्हीं के द्वारा वितरण। राजेश मुखिया कहाँ का रहे वाला हूँ? डंडवास का। आरती देवी डंडवास का। भटौली गाँव में वितरण भइल बा? भटौली में। तो आरती देवी भटौली गाँव से क्या रिश्ता बा उनकर? संबंध बा, प्रेम बा, संबंध बा। कैसे संबंध बा? इलेक्शन के लेके चुनाव हारे लन चाहे जीते लन, हर साल बैठे लन। इससे पहले भी वितरण किए हुए? हाँ, बटले बन। आपका नाम का बा? धर्मदेव। कहाँ घर बा? भटौली।